तकदीर, लक, जिस पे हम सब विश्वास करते हैं, ऐसे होते हैं एग्जाम के टाइम वो लक में बहुत मानते हैं कि ये शर्ट लकी है मेरे लिए, ये पेन से लिखूंगा ये लकी है मेरे लिए, मैं तो इतने बजे ही एग्जाम शुरू करूंगा, ये टाइम मेरे लिए बहुत लकी है। ये चीज पता है क्या होती है, जब आप अंदर से मेहनत नहीं करते तब आप बाहरी चीजों में तामझाम ज्यादा करते हैं। अब मैं लक किसे बोलूं जब मुझे पता है कि मैंने इतनी मेहनत नहीं की, भगवान संभाल लेगा। लेकिन गारंटी है, जिस दिन आपने मेहनत की होगी ना तो भगवान पर नहीं टालोगे। लिखा है ना कि कर्म करो, तो वही बात है। एग्जाम का टाइम हो रहा है, आपने पूरी मेहनत की है और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप पास हो जाओगे। मान लीजिए उसी दिन आप गिर जाते हो, आपके हाथ में चोट लग जाती है, नाउ अब क्या होगा? भगवान आपको इन चीजों से बचाते हैं। अगर आपने सही कर्म किए हैं, अगर आपने मेहनत की है, तो कुदरत भी आपका साथ देती है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलवाने में लग जाती है। ये है लक। खुद पर काम करो, फिर लक मैटर नहीं करता। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि पास होना, फेल होना, सक्सेसफुल होना लक पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अरे कुदरत ने भी हाथ में नसीब, लक कुछ भी कहो, लकीरों से पहले उंगलियां दी हैं, जो ये प्रूफ करती हैं कि लक से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेहनत है, आपके कर्म हैं, कि आप कितने शिद्दत से, कितने पैशन से खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए काम करते हो, मेहनत करते हो। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना। मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मैं हूं अंकित शर्मा, मिलते हैं अगले वीडियो में।